नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। मैं हूं रिया। कोरोना के बढ़ते केस ने काफी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि कोरोना के 65 एक्टिव केसेस के बाद पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और डीएम ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आपको बता दें कि उन्होंने तत्कालीन बैठक भी बुलाया था। कहा गया है कि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों के साथ उन्होंने तत्कालीन बैठक बुलाई और उसमें तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। और कोरोना की आगामी लहर के प्रभाव को देखते हुए लोगों को सजग एवं सावधान रहने की हिदायत उन्होंने दी है। कोरोना के प्रवृत्ति के हर एक पहलू पर प्रशासनिक स्तर पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसा डीएम के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि हम सचेत रहें क्योंकि अब सिचुएशंस जो है हम देख रहे हैं, धीरे धीरे नॉर्मल कोरोना केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। कहां बहुत मिनिमम केसेस होते थे 2 से 3, जो अब 65 एक्टिव केसेस में तब्दील हो गई है। और यह कारण लोगों की लापरवाही है। डबल डोज वैक्सीनेटेड होने के बाद सभी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन यह जानकारी हम बार बार साझा करते आए हैं कि कोरोना जो है तब भी हो सकता है। और ऐसे में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने तथा आगे की तैयारी करने का निर्देश दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। बता दें 15 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को वापस से शुरू किया जा रहा है, जो कि काफी दिनों से जहां पे विराम लगा था, ना के बराबर पेशेंट्स आते थे, तो अब वहां भी इसकी शुरुआत की जा रही है। आप सोच लीजिए, सरकार सजग हो रही है, यानी कि मामला सीरियस है, ताकि आवश्यकता के अनुरूप आइसोलेशन सेंटर के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। इस सेंटर की क्षमता जो है 110 बेड की है। यद्यपि कोरोना के मामले की संख्या में वृद्धि होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल के को जिला स्वास्थ्य समिति में ही शुरू करने हेतु कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया गया है। और जो तमाम कर्मी हैं, मेडिकल कर्मी, सभी की छुट्टियां भी रद्द करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि टेस्टिंग एवं रिपोर्टिंग को सरल किया जाना है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के 52 PHC, CHC, UPSC में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना दे सकता है। 24 घंटे में उसको रिपोर्ट देने हैं। 5 मोबाइल टीम को भी सक्रिय बनाया जा रहा है और जो भ्रमणशील रहकर सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिसंबर के अंतिम महीने तक कहा जा रहा है कि कोविड के तीसरे वेव की शुरुआत हमारे प्रदेश में भी हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ने लगे हैं, वहां भी तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। तो अगर आप पाबंदी नहीं चाहते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ सीरियस हो, आपके परिवार वालों में कोई सीरियस हो जाए, तो आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हम कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी चीज़ बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही परीक्षा रोकी जानी चाहिए, ना ही कोई चीज़ रोकी जानी चाहिए, लेकिन अपना ख्याल हमें खुद रखना है। वैसे जगहों पर नॉर्मली अगर आप बाहर निकलते हैं तो वेयर अ मास्क, उसके ज़्यादा आप अपने आप को एक जीवन दे रहे हो उससे। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए खुद कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना। वैसे भी शहर में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और आपको चाहिए कि आप मास्क में रहो ताकि आप गंदी हवा ना आपके अंदर जाए और इस प्रकार से पॉल्यूशन से भी बच सको। तो अपना ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।